गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है 12th आर्ट्स का, वो चल रहा है जातिवाद और सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के अंतर्गत हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया था सांप्रदायिकता के अर्थ का और सांप्रदायिकता का उद्देश्य क्या है। सांप्रदायिकता के अंतर्गत हमने बात की थी कि एक जो समुदाय है उसका निर्माण भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान आदि के तरफ उसके धर्म बनता है और वह अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानता है। इस कारण दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उसकी आलोचना करता है और उसके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करता है। और प्रत्येक संप्रदाय या संगठन जाति का प्रमुख उद्देश्य होता है, धर्म का प्रमुख उद्देश्य होता है कि उसको अधिक से अधिक सत्ता प्राप्त हो, उसके समूह के लोगों का सम्मान किया जाए और अधिक से अधिक राजनीतिक क्षेत्र में उसकी सहभागिता हो, ये प्रयास परंतु किया जाता है। और आज हम अध्ययन करेंगे इससे जुड़े हुए कुछ आगे के बिंदुओं का। तो आज का जो हमारा सबसे पहले प्रमुख बिंदु है वो है हेडिंग के सहित सांप्रदायिकता का उदय। सांप्रदायिकता का उदय के अंतर्गत हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी कि जो सांप्रदायिकता है वो ब्रिटिश शासन काल के समकालीन ही मानी गई है और इसके साथ ही जो सांप्रदायिकता है ये भारत में चारों तरफ अपनी जड़ें पसारने लगी थी, जिसके आगे के जो बिंदु है वो आज हम समझेंगे और उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है इसमें, आज अंग्रेजों ने हिंदुओं को राजी करने के लिए मुसलमानों की अपेक्षा की। अंग्रेजों का जो प्रमुख लक्ष्य था, नीति थी, वो थी फूट डालो और राज करो। वो चाहते थे कि भारत के लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे और इसका बेनिफिट है वो अंग्रेजों को मिले। तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या है, ब्रिटिश शासन ने क्या है, एक त्रिभुज की संरचना का निर्माण किया जिसमें एक तरफ तो हिंदू हो गए, एक तरफ मुसलमान हो गए और उसका केंद्र बिंदु है उन्होंने स्वयं को बना लिया। और वो चाहते वैसे अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों को अपने इशारों पर नचाया और उनसे अपना कार्य है वो करवाने के लिए उनको खूब लोभ लालच देते थे और आपस में एक दूसरे के खिलाफ उनको भड़काते थे। तो आगे हम बात करते हैं इसके आगे के बारे में कि अंग्रेजों ने हिंदुओं को राजी करने के लिए मुसलमानों की अपेक्षा की। वो प्रयास ये करते थे कि उनको कुछ लाभ प्रदान किए जाए जिससे क्या है कि हिंदू और मुसलमान यहाँ के जो है धर्म के लोग ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। तो वो हिंदुओं को राजी रखने के लिए क्या करते थे, उनको खुश रखने के लिए क्या करते थे, मुसलमानों की उनके सामने क्या है आलोचना करते थे, उनके दोष उनको गिनाते थे, उनकी कमियां निकालते थे ताकि हिंदुओं को विश्वास में लिया जा सके। मुसलमानों को विशेष रियासतें देकर राजी करने का प्रयास किया। जिस प्रकार हिंदुओं को राजी करने के लिए उन्होंने मुसलमानों की अपेक्षा की, इसी प्रकार अंग्रेजों ने क्या है कि मुसलमानों को राजी करने के लिए उन्हें विभिन्न रियासतों का नवाब बना दिया। रियासतों का मतलब है वहाँ के कुछ क्षेत्रों, प्रांत या राज्यों से है। भारत के जो लोग थे तो वो जिस रियासत के प्रमुख होते थे उन्हें नवाब कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नवाब कहा जाता, जो राजा के समकालीन होता था और उन्हें विशेष प्रांत का दर्जा उनको मिलता था। तो इसमें बात आई कि मुसलमानों को विशेष रियासतें देकर राजी करने का प्रयास किया। मुसलमान जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे उस समय, समाज के गिने चुने व्यक्ति थे, उनको कुछ रियासतें प्रदान कर दी गई जिससे वो अंग्रेजों के पक्ष में हो जाए। तो एक तरफ तो उन्होंने हिंदुओं को खुश करने का प्रयास किया, वहाँ मुसलमानों की आलोचना की, और दूसरी तरफ हिंदुओं से श्रेष्ठ मुसलमानों को बनाने के लिए उनको रियासतें दे दी ताकि हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे, इसका बेनिफिट है वो अंग्रेजों को मिलता रहे। आगे बात आती है, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इसी क्रम में एक नया अध्याय जुड़ा 1905 में कि लॉर्ड कर्जन ने एक नीति अपनाई जिसके तहत उन्होंने सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। और हम बात करें कि विभाजन प्रभावी कब हुआ, तो ध्यान रखना 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया था और इससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो जुलाई के आसपास से लाया गया था।
लेकिन अगर बात करें कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और ये विभाजन है, ये बंगाल का ये प्रभावी कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 से ये विभाजन प्रभावी हो गया। आगे बात आती है, ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की। अगर बात करें कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है अंग्रेजों को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। ब्रिटिश जो लोग हैं वो चाहते थे, शासक चाहते थे कि भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली है उसको लागू किया जाए, और सांप्रदायिकता के आधार पे, धर्म के आधार पे भारत हिंदुस्तानियों को एक दूसरे के खिलाफ करके और उनका फायदा उठाया जा सके। इसके लिए उन्होंने प्रमुखतः क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत है वो भारत में कर दी, ताकि उनको फायदा मिल सके। आगे बात आती है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया और कब किया, तो ध्यान रखना मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और अगर पूछे कब किया था, तो ध्यान रखना मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी भारत और पाकिस्तान ये तो उस समय थे ही नहीं, हिंदुस्तान और मुसलमानों को अलग करने के लिए उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विभाजन किया कि इनको अलग अलग कर दिया जाए, और अलग अलग करने से समाज को तोड़ा जा चुके, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, विचारों के आधार पे, भाषा के आधार पे, ये उन्होंने प्रयास प्रमुखतः किया था। आगे बात आती है, सांप्रदायिकता के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना है और अन्य कुछ विशेष मुस्लिम जो अधिकारी थे उनको इस प्रयास में सफलता भी मिली। सफलता उन्हें मिली सन 1947 में, इस समय भारत का विभाजन हो गया और जो क्षेत्र मुसलमानों के हिस्से में आया वो, जहां मुसलमान ज़्यादा थे वो तो मुसलमानों का हो गया, और जिस क्षेत्र में हिंदू अधिक निवास करते थे, अधिक रहते थे, वो हिस्सा हिंदुओं का हो गया। तो इस प्रकार सन 1947 में भारत का विभाजन हो गया और इसमें लोग विस्थापित हो गए। विस्थापित का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, क्योंकि जो हिस्सा मुसलमानों के पास में आया वहाँ हिंदू थे, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, अपने परिवार को लेके उन्हें जहाँ हिंदुओं वाला स्थान है वहाँ जाना पड़ा, और जहाँ हिंदुओं का बाहुल्य अधिक था वहाँ पे मोहम्मदन यानी मुस्लिम थे उनको वो स्थान छोड़ के मुसलमानों वाले स्थान पे जाना पड़ा। तो इस प्रकार अगर कहा जाए तो सन 1947 में भारत है वो एक प्रकार से द्विराष्ट्र हो गया था, भारत पाकिस्तान के रूप में उसका विभाजन देखने को मिलता है। आगे बात आती है, सांप्रदायिक समस्या के कारण, यानी सांप्रदायिक जो समस्या है जो धर्म के आधार पे, संगठन के आधार पे, इसके प्रमुख कारण क्या है, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं वो प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके कारण क्या रहे जिस कारण ऐसा हुआ और इसका परिणाम भारत को बाद में भुगतना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं हमें विभाजन की कटु स्मृतियाँ। विभाजन जब हुआ तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन बातों को, जिन स्मृतियों को, जिन यादों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिनको हम भूलना चाहें तो भी वो बातें हमें जिंदगी भर है वो याद रहेगी। ऐसी जो स्मृतियां हैं उनके बारे में हम कुछ बात करते हैं। बात आती है, मुस्लिम लीग की कार्रवाई से सांप्रदायिक संघर्ष से अधिक बढ़ गया। मुस्लिम लीग है उसने कार्रवाई की, लोगों को भड़काने का प्रयास किया, लोगों को डराना धमकाने का प्रयास किया, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काया अपने लाभ और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे संघर्ष इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे को मारने तक आतुर हो गए, एक दूसरे के खून के प्यासे तक हो गए। आगे स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन भी हो गया। जैसे ही हम बात करें, देश को आज़ादी तो मिलती अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते अपने जो लक्ष्य थे, अपने जो उद्देश्य थे, उनको पूरा करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी, और भारत है वो द्विराष्ट्र के रूप में विभाजन हो गया, यानी भारत और पाकिस्तान है दो अलग अलग देश बन गए।
और अलग अलग देश बनने के कारण भारत है तो उस समय कुछ स्थिति अगर मानी जाए तो कुछ कमजोर भारत उस समय अवश्य हो गया। तो बात आती है जैसे देश आजाद हुआ, देश दो भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। विभाजन से लाखों लोग विस्थापित हो गए। जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, तो लाखों लोग हैं उनको एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना पड़ा, क्योंकि जिस स्थान पे जिन लोगों का बाहुल्य था वहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को रहने दिया और अन्य लोग हैं उनको वो स्थान छोड़ के अपने परिवार के साथ जाना पड़ा। कुछ लोग बेघर हो गए, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लोगों की हत्याएं हुई, महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। जिस समय ये घटना चल रही थी विभाजन की, उस समय जो लोग हैं वो पहले जो एक साथ प्रेम पूर्वक मित्रता पूर्वक भाईचारे के साथ रह रहे थे, वही लोग क्या है कि एक दूसरे की हत्याएं करने लग गए, एक दूसरे को मारने काटने लग गए। इसका अंत यही नहीं हुआ, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया गया, उनका अपमान किया गया और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये समस्याएं भी उस समय देखने को प्रमुख रूप से मिलती है, जिनको हम कभी भी हैं वो नहीं भूल पाएंगे, और जब भी विभाजन की बात आएगी तो ये स्मृतियाँ हैं ये सामने उस समय जरूर आएगी। आगे बात आती है, घटना से प्रभावित लोगों के परिवार आज भी इस घटना को भूल नहीं पाए हैं। इस घटना से जिन परिवारों को सामना करना पड़ा, वह परिवार है वो इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या है कि विभाजन का जो प्रभाव था, विभाजन की जो स्थिति थी उसका सामना किया और उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, चाहे घर के रूप में हो, चाहे परिवार के रूप में हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, उनके विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना उनको प्रमुख रूप से करना पड़ा। आगे बात आती है, मुसलमानों का आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन। मुसलमानों की स्थिति अगर बात की जाए, चाहे आर्थिक स्थिति की बात की जाए, चाहे शिक्षा की स्थिति बात की जाए, वो प्रारंभ से ही क्या है, शिक्षा की दृष्टि से भी पिछड़े हुए थे और आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए थे। और प्रारंभ से इस चीज़ में अगर बात करें हिंदुओं से, वो काफ़ी पिछड़े हुए थे और इस समस्या का सामना उन्हें काफ़ी समय तक है वो करना पड़ा। और आज भी अगर देखा जाए तो जो मोहम्मदनों की, मुसलमानों की जो स्थिति है वो शैक्षणिक दृष्टि से अगर बात करें तो काफ़ी पिछड़ी भी मानी जाती है। आगे बात आती है, ब्रिटिश शासनकाल से ही मुसलमान शिक्षा की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। अगर हम बात करें जिस समय अंग्रेजों का भारत में शासन था, उस समय की अगर बात की जाए तो अंग्रेज उनके शासनकाल के समय भी क्या है कि जो मुसलमान हैं वो काफ़ी कम पढ़े लिखे मिलते थे, शिक्षा के प्रति उनका रुझान बहुत कम था और इसके साथ साथ वो सामान्य जो कार्य है वो किया करते थे, जिस कारण क्या है उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी क्या थी, पिछड़ी हुई थी। आगे बात आती है, नौकरी व्यापार उद्योगों में उनकी स्थिति सुधर नहीं पाई। हम बात करें उस समय की, तो मुसलमानों की जो स्थिति थी, चाहे वो व्यापार में बात करें, हमें उद्योग में बात करें, चाहे नौकरी में बात करें, उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी और उनके पास नौकरियां कम थी, व्यापार से लोग कम जुड़े हुए थे और स्वयं के उद्योग धंधे भी उनके पास हिंदुओं की तुलना में काफ़ी कम थे। और बाद में भी स्थिति की तुलना की जाए तो बाद में भी इनकी स्थिति में क्या है, ज़्यादा अधिक सुधार नहीं हो पाया है। मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया, यानी आधुनिकीकरण का मतलब हो गया है, होता है कि नवीन परिस्थितियों के साथ अपने आप को जोड़ लेना या समय के साथ साथ अपने आप को परिवर्तन कर लेना, ये स्थिति है आधुनिकीकरण की स्थिति कहलाती है। यानी प्राचीन स्थिति को नवीन स्थिति में बदल देना या अपनी रूढ़िवादिता को त्याग के नवीन परिस्थितियों को अपना लेना, वो भी आधुनिकीकरण कहलाता है। यानी अपने परंपरागत तकनीक को नवीन तकनीक में बदल देते हैं, वो भी आधुनिकीकरण कहलाता है। तो ऐसा क्या है, मोहम्मदन है जो मुसलमान है वो नहीं कर पाए और उनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया। मुस्लिमों को फायदा अनेक राजनीतिक संगठनों ने उठाया। अब मुस्लिमों की इन कमजोरियों का जो फायदा उठाया वो अनेक राजनीतिक संगठन है, अनेक राजनीतिक दल है, इन्होंने इनका भरपूर फायदा उठाया और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्यों प्राप्त करने के लिए इन मुसलमानों का खूब इस्तेमाल है वो विभिन्न संगठनों ने किया। तो इस प्रकार कहा जाए तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो अपने लक्ष्यों में सफल रहे, भारत का विभाजन हो गया
और जो है भारत जिस समय आज़ाद हुआ तो उस समय भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए और इससे बहुत सारे लोग विस्थापित हुए और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई और महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। और इस समस्याओं को, इन घटनाओं को कभी भी इतिहास में भूला नहीं जा सकता।